केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ हैं, हरिद्वार के सांसद भी हैं। किस तरह की सौगात है? कुंभ भी आने वाला है, बहुत बड़ी योजना ये रहेगी सर, बड़ी सौगात है। और अब कुंभ भी आने वाला है, तो जो चारधाम यात्रा शुरू होगी और कुंभ में जो यात्रा आएंगे उनके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? मैं हरिद्वार के लोगों को विशेष करके बहुत बधाई देना चाहता हूँ और नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश की आज़ादी के बाद हरिद्वार को ये क्षण, जिस क्षण में आज 5,000 करोड़ रुपए की ये योजनाएं जो एक साथ जिनका लोकार्पण हुआ है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और आज उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को स्वीकृति दी है, हरिद्वार बाईपास हो, चाहे पुलों का हो मुझे लगता है, और चाहे रिंग रोड का हो, और पूरे प्रदेश के लिए लगभग 25,000 करोड़ की लागत से और नए कामों को किया, जबकि चार धाम जो महायोजना है उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपने देखा है हरिद्वार में किस तरीके से पुलों का, देखिए आप किस तरीके से सड़कें हो गई हैं। आप जब हरिद्वार में चलते हैं तो आपको लगता है दिल्ली है या मुंबई में है। सर, क्योंकि कुंभ शुरू होने वाला है और आपको अनुभव है 2010 का जब कुंभ हुआ था, तो अभी हम किस स्थिति में है कुंभ को लेकर? परिस्थितियाँ अभी जो कोरोना काल है उसकी थोड़ा सा परिस्थितियाँ अलग हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को भी अनुशासनात्मक तरीके से कैसे करके अच्छे से ये कुंभ हो, ये करना चाहिए, कुंभ अच्छा होगा। ये थे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड को 2 NH का जो सोफा मिला है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, खासकर कुंभ के दौरान और चारधाम यात्रा के दौरान। कुंभ को लेकर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।